3, 2, 1, हाथ ऊपर, वेरी गुड। अब रुकिए, अब मैं बोलूंगा, वापिस बोलूंगा 1, 2, 3 और ऊपर लेकर जाएंगे, 1, 2, 3 और ऊपर। अरे बाप रे, वो देखो, चले, वेरी गुड। हाथ नीचे रखिए, पहले मैंने बोला हाथ ऊपर तो आपने इतना हाथ ऊपर किया, फिर मैंने बोला और एक बार ऊपर, फिर और ऊपर गया। ये जो 2 इंच आपका हाथ बढ़ा, ये कहां से बढ़ा? ये रोहित स्टोर से लेकर आए क्या आप? ये रोहित स्टोर से लेकर आए? मनोज गुप्ता जो हमारे बाजू में जिनका दुकान है वहां से लेकर आए? कहां से लेकर आए? ये 2 इंच कहां से आया? कॉन्फिडेंस है। ये 2 इंच कहां से आया मयंक? ये 2 इंच कहां से आया? कॉन्फिडेंस है। बस यही टीचर करते हैं, आपके अंदर की जो प्रतिभा है ना, आपको लगता है बस यहाँ पे बहुत हो गया, 2 पन्ना पढ़ लिया बहुत हो गया। टीचर बोलेंगे 2 पन्ना नहीं, 10 पन्ना पढ़ना है। और जब कोई पीछे लगता है, जब जामवंत, जामवंत कौन है? जामवंत कौन है बेटा? जामवंत, जामवंत कौन है? जामवंत कौन है? जामवंत, जामवंत के वचन सुहा है, नाम सुना है। जामवंत कौन है? जामवंत, नाम सुना है कि नहीं? कहीं सर पूछ रहे, सुना है? चलो मयंक नहीं सुना है, और किसे सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जामवंत। बचपन में हनुमान जी को श्राप मिल गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने सूरज को निगल लिया था। सूरज को, बोलो सूरज को निगल लिया, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन निगल लिया, तब गुस्सा आता है तो बोले तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। क्या बोलते हैं? लेकिन वो भूल जाते हैं क्या? नहीं। तो कौन याद दिलाते हैं? हाँ, तो जामवंत जो रहते हैं ना, वो उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं। हम सब जामवंत है, हम सब कौन है बेटा? और हमको याद, सॉरी, हम सब हनुमान है, हम सब कौन है? और हमारे जामवंत कौन है? हाँ, यहाँ पर हमारे जामवंत है, जो हमारी सुप्त शक्तियाँ हैं। हमको लगता था हम कभी ABCD बोल नहीं पाएंगे। कितने लोग को ABCD आता है? अरे बाप रे बाप, सबको आता है। बेटा आप आ जाओ, आप आके गए ना अभी, आप इनको, इनको आने दो, इनको आने दो। हाँ बेटा आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अनंत। हाँ अनंत, ABCD बोल के दिखाओ। ABCD, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके ABCD, पैर, एक पैर उठा के बोलो। हाँ बोलो, बोलो बोलो, ABCDEFGHIJ, दोनों दोनों पैर, दोनों पैर, दोनों पैर उठा के बोलो। नहीं बेटा, ये रात को रख दो पैर नीचे, ये रात को याद करके आए थे। सर ने बोला था आपको, मैडम ने बोला था कि कल पढ़ के आना, पूछेंगे। कैसे आता है आपको ये? याद करने के, दिमाग में बैठ गया ना आपको? हाँ। ABCD दिमाग में बैठ गया ना कि कल रात को पढ़ के आए थे? हाँ मयंक, कल रात को पढ़ के आए थे क्या आप लोग? फिर कैसे आता आपको? आपके दिमाग का वो हिस्सा बन गया है, जीवन का हिस्सा बन गया है। पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बना दो, आप पढ़ाई को ध्यान दो, पढ़ाई आपका जीवन बदल देगा। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, अपनी वाली, अपने वाली। अभी आखिरी का पॉइंट है, आखिरी का पॉइंट। सर टाइम हो गया क्या? सर 40 हो गया। हाँ, अभी हम लोग को और एक स्कूल में जाना है, वहाँ पे भी प्रोग्राम है, आज बहुत सारे स्कूल में जाना है। अब आखिरी का पॉइंट है, मेरे साथ बोलेंगे, बोलो, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। अब अपने मन से बोलिए एक बार, बोलो, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। अब इसका मतलब बताइए क्या है, कौन बताएगा? हाँ बोलो बेटा, बन सकते हैं, क्योंकि इंसान को ऊपर वाले ने जिसको भी आप मानते होंगे, इंसान को ऐसा बनाया कि वो जो सोचेगा बन सकता है। आपके पिताजी क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पिताजी टीचर होंगे, आपके पिताजी ठेला लगाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, सरकारी ऑफिस में काम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी क्या करते, कौन बताएगा? किसी ने देखा मेरे पिताजी को? मयंक कहाँ गया? नहीं देखा किसी ने? देखा मेरे पिताजी को? ये सामने दुकान है ना, वहाँ पे आप देख लेना, कभी जाके सामने मिल जाएंगे वो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी क्या करते हैं, फर्क ये पड़ता है आप क्या करने वाले, फर्क ये पड़ता है साहब। APJ अब्दुल कलाम साहब, कौन? कौन कौन थे? हाँ हाँ, साइंटिस्ट थे और मिसाइल मैन बोला जाता, और क्या थे वो? हाँ, निर्माण, और क्या है, और क्या है?
और कौन थे वो? राष्ट्रपति जी थे। उनके जैसा राष्ट्रपति इस देश को नहीं मिला अभी तक। बोला जाता है उनके जैसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो इतने व्यस्त हो गए काम करने में, सर उन्होंने शादी नहीं किया, इतना व्यस्त हो गए, टाइम ही नहीं मिला। वो इतने वो जो उन्होंने बनाया, आज सारी दुनिया हमसे डरती है, भारत से सारी दुनिया डरती है। उसको मालूम है ये अगर एक बॉम्ब छोड़ देगा पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कंट्री गायब हो जाएगी। और ये बनाया एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। और वो किसके लड़के थे? वो उनके पिताजी क्या करते थे बेटा? क्या करते थे उनके पिताजी? मच्छी पकड़ते थे, नाव चलाते थे, 8 आना 4 आना 1 रुपया जमा करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी मम्मी क्या करती है, फर्क इससे पड़ता है आप क्या। तो आप लोग पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जाते जाते एक ब्रह्मास्त्र देके जा रहा हूँ। क्या देकर जा रहा हूँ? हाँ, हमारे दौलत सिंह पालीवाल सर थे, मालूम है आपको? मेरे को उन्होंने पढ़ा है सर, इंग्लिश जोशीबाग में उन्होंने पढ़ा। उसके बाद फिर उन्हीं के नाइट कॉलेज में, जब मैं आईटीआई में चला गया था, आईटीआई पता किसी को? टर्नर फिटर मशीनिस्ट नाम का एक कोर्स होता है। फिर मैं वहाँ पर चला गया, पिताजी बोले हम लोग गरीब है। बोला अच्छा, गरीब कौन होते पता नहीं था। बोले वो क्या बोलते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है वही होता ना गरीब। कौन होता है बेटा? पैसा नहीं होता है। लेकिन आज से गरीब की नई परिभाषा लेकर जाइए, जिसके पास सपने नहीं है, बोलो जिसके पास सपने नहीं है वो गरीब है। आप लोग के पास सपना है ना? बस आप क्या बनना चाहते हो बेटा? पायलट। आप क्या बनना चाहते हो? टीचर, इंजीनियर। आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, आप क्या बनना चाहते हो? बस कौन कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं सर, हमको हमारी परिस्थिति कोई लेना देना नहीं, परिस्थिति का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर एपीजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अमीर थे क्या? वो बहुत अमीर थे बेटा? बहुत पैसा था क्या उनके पास? नहीं था, लेकिन फिर भी वो गए ना बैरिस्टर बने। हमें लंदन में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई की, लंदन में उनका नाम का म्यूजियम बना हुआ है, उनका म्यूजियम बना हुआ है। तो हमको सर ने एक चीज़ सिखाई है, और वो यही सिखाई है कि आप कहाँ पे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ पर जाने वाले हैं, आप कहाँ पर जाने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आखिरी का ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ, बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के बाद अपने स्कूल को क्या बोलना है? सिर्फ आपको धन्यवाद बोलिएगा, मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ। अपने टीचर को, अपने मम्मी डैडी को, अपने फ्रेंड को, नोटबुक को, पेंसिल को, रोटरी क्लब को, आजू बाजू वाले को, जिस गाड़ी में हम आते हैं, जो हम खाना खाते हैं, किसान को, हर चीज को धन्यवाद दीजिए। और देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है। धन्यवाद हर कोई नहीं बोल सकता है, हमको शिकायत करने की आदत है। नहीं साहब इधर तो ये बोर्ड है, ये है, वो है, अरे साहब देखो पार्किंग लगा हुआ है, सब चलता रहेगा। तारक मेहता क्या बोलते हैं? मुसीबत तो है सबके साथ। तारक मेहता क्या बोलते हैं? सिर्फ नजरिए की है बात, बस नजरिया बदलिए। एक ऐसा हाथ करेंगे, एक फोटो ले लेंगे, ऐसा हाथ कीजिए सब लोग। हाँ ऐसा हाथ करेंगे, अपने नख को देखिए, नख को, अपने नख को देखिए, नख, नख को देखेंगे सब लोग, नख देखेंगे, फिर मुझे देखेंगे, फिर मेरी तरफ देखेंगे सब, फिर नख को देखिए, नख को देखिए, और फिर मुझे देखिए। बस हाथ नीचे रखिए। जब हम नख में अटके थे तो हम शिकायत कर रहे थे, यार जिंदगी में कुछ नहीं है, देखो पीला नख है, वो क्या कचरा गया हुआ है, साबुन गया हुआ है, अरे रे रे। फिर जैसे ही आप अपना नजरिया बदलते हैं तो क्या हो जाता है? सीन बदल जाता है। फिर नख के बदले आप क्या देखते हैं? आपने क्या किया नजरिया बदलने के लिए? क्या किया बेटा आपने? सिर्फ नज़र चेंज किया, बस बस यही करना है। आज के बाद नज़र चेंज कीजिएगा। आज के बाद क्या करना है बेटा? नज़र चेंज करना है, बस। और कुछ सवाल पूछना है आपको तो आज के बाद धन्यवाद बोलना है। हाँ, मैं स्पेशल लड़कियों को बोलना चाहूँगा बेटा, कोई भी अगर आपको टच करता है कुछ भी, तो क्या करना है आपको? पहला काम नहीं मारना, नहीं पहला काम क्या करना बेटा? आपको पता है ना अभी क्या हुआ? पता है आपको आजू बाजू में क्या हुआ? आज के बाद कोई भी अपने को टच करता है, जोर से चिल्लाना है। कैसे चिल्लाएंगे? ए हाँ हाँ, एक मिनट थोड़ा ज़रा रुको, इतना जल्दी मत करो। मैं 1 2 3 बोलूँगा, बच्चे लड़के लोग भी चिल्ला सकते हैं, आप लोग भी चिल्ला सकते हैं। 1 2 3 बस, ये बहुत बड़ा हथियार देकर जा रहा हूँ, क्योंकि गुड टच, बैड टच एंड नो टच। बोलो गुड टच, बैड टच, नो टच। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।